दोस्तों, प्यूप्लेट के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 7 अक्टूबर है और आज के इस डेट में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके अंत में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है कि भारत और किस देश ने विकासशील देशों में COVID-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नियमों में राहत मांगी है। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में COVID-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WTO से नियमों में राहत मांगी है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है वह है दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। तो याद रखना है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में COVID-19 की दवाओं को उत्पादन को आसान और सुलभ बनाने हेतु वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो व्यापार नियमों हैं उनमें राहत की मांग की गई है। देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में COVID-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन के नियमों में राहत मांगी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इन दवाओं के मामले में बौद्धिक संपदा नियमों में छूट देने को कहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से। बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। तो दोस्तों, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही रोज़ाना PDF पाने के लिए हमारे वेबसाइट और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप डेली करंट अफेयर से संबंधित PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। किस देश की महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लगातार वनडे क्रिकेट में अगर देखेंगे तो 20 जीत दर्ज करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड अगर पुरुष वर्ग में देखेंगे तो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ही नाम पर है, जो रिकी पोंटिंग के कप्तानी में लगातार 21 जीत दर्ज हासिल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20 जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम सीरीज का अगला मैच जीतकर रिकी पोंटिंग के लगातार 21 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है, यानी अगला मैच ये जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम तो रिकी पोंटिंग के जो लगातार 21 जीतों का रिकॉर्ड था उसके बराबरी कर लेंगे। हालांकि ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही बना रहेगा। रिकी पोंटिंग ने यह रिकॉर्ड साल 2003 में बनाया था। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का वनडे क्रिकेट में लगातार जीतने का क्रम जारी है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने कप्तान मैग लेनिंग, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वो है मैग लेनिंग, के शानदार शतक की मदद से न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अपराजय बढ़त बना ली। आज का तीसरा सवाल है कि फोवर्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फोवर्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी CMO की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है रवि संथनाम, संदीप बख्शी, आदित्य पुरी और अमिताभ चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रवि संथनाम, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। तो याद रखना है कि रवि संथनाम को फोवर्स के सबसे प्रभावी CMO के सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, HDFC बैंक के रवि संथनाम को फोवर्स के सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी सूची में प्रथम स्थान मिला है। फोवर्स ने उन्हें एप्पल, BMW, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और PNG जैसे दिग्गज कंपनियों के मार्केटिंग हेड के साथ रखा है। फोवर्स की ओर से सबसे प्रभावी CMO पर जारी सूची का यह 8वां संस्करण है। सूची में 39वें पायदान पर काबिज रवि संथनाम एकमात्र
भारतीय हैं। देखिए आज का चौथा सवाल है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्ण पदक। तो याद रखना है कि भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में यह स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। देखिए भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com ने किया था। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी ने 241.7 अंकों के साथ यह खिताब अपने नाम किया है। आज का पांचवा सवाल है कि हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 यानी 2020 का उद्घाटन किया। ऑप्शन से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को राइज 2020 यानी रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का छठा सवाल है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन से शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी और आनंद महिंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रतन टाटा यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। तो याद रखना है कि रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जो भारतीय उद्योगपतियों के ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है रतन टाटा को। देखिए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा सुमो ने काफ़ी विस्तार किया। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति और दानदाता है। उनके नेतृत्व में टाटा सुमो 3 दशक के भीतर अमेरिका के सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी भी बन गई है। आज का सातवां जो सवाल है वो है भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 यानी 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दी गई। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार दी गई भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन से बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। देखिए इसका विश्लेषण, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई है। साल 1994 से अब तक भारत सरकार नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुकी है। आज का आठवां सवाल है कि शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन है जोमाटो, उबेर ईट्स, फूड पांडा और स्विगी। तो इसका जो सही जवाब है वह है स्विगी। तो याद रखना है कि शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ समझौता किया है। देखिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों को जोड़ने के लिए
प्रमुख डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना है और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहाँ एक समझौता किया गया है। आज का नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन से दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली, यानी ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। तो याद रखना है कि दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान यानी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। आज का 10वां सवाल जो है वो है कि गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए साल 2020 के नोबल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए साल 2020 के नोबल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन से रेनहार्ड गेंजल, रोजर पेनरोज, चार्ल्स कनिंघम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है रेनहार्ड गेंजल, यानी ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। तो याद रखिए, गैलेक्सी के केंद्र में फिजिक्स के नोबल प्राइज पुरस्कार जो की घोषणा किया गया है उसमें से साल 2020 के उनमें है रेनहार्ड गेंजल, जो कि फिजिक्स में गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबल पुरस्कार को दो भागों में विभाजित किया गया है। गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल्स की थ्योरी पे दिया था, उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है कि IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज़्यादा यानी 194 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन से शिखर धवन, दीपक चहर, महेंद्र सिंह धोनी और पीयूष चावला। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तरह से तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।